मैं हूँ मुस्कान और आप देख रहे हैं लाइफ विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ जल्दी से बनने वाली रेसिपी। तो खैर नहीं है, ये जरा टाइम लेती है और बहुत ही मजे की बनती है। सर्दियों की स्पेशल सुगात है, हमारे पंजाब की बहुत ही मशहूर सुगात है जिसे हम साग कहते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई करना। हर घर में ही साग बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। गाँव के जो होती हैं सिटीज में रहने वाले लोग, उन्हें थोड़ी सारी मुश्किल होती है, वो बाजार से खरीदते हैं। लेकिन जो होते हैं गांव में रहने वाले लोग, उनके लिए हम जैसे उनके लिए बहुत ही इजी होता है कि वो जाते हैं खेतों में, जाते हैं उधर से ले आते हैं साग फ्रेश, और बहुत ही मजे का सब सब सा होता है। हरी हरियाली होती है हर तरफ, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि साग लेने जाना खेतों में। तो चलिए फिर अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम साग बना रहे हैं। साग ये देखिए कितना अच्छा, और ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। अभी अभी का ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, अभी ही हम लेके आए हैं साग। तो बहुत ही अच्छी है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो बहुत मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, हमारे घर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है साग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे ये देखिए, मेरा तो दिल कर रहा है बस इसे देखते ही जाऊं, इतना प्यारा लगता है। तो इसे हम रखेंगे अब इसे इस तरह, अब इसे पकाने की तैयारी करेंगे। इस तरह साफ करेंगे, गंदल जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, इस तरह। और फिर इसे काट लेंगे, बारीक बारीक करके काट लेंगे। किसी के पास वो होता है काटने वाले टोकेंगे जिसे कहते हैं उनसे, और कुछ लोग छुरी के साथ ही बड़े चाकू के साथ काटते हैं। कटिंग बोर्ड पे काटना बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी से बस यूं यूं करके हम काट लेते हैं। चलिए अब हम सारा अच्छे से साफ करेंगे काट के, फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए मैंने साग को बारीक बारीक काट ली, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा सब लग रहा है, दिल कर रहा है बस देखते ही जाए, इतना खूबसूरत लग रहा है। और दूसरी तरफ मैंने पालक भी काट लिया बारीक बारीक। पालक हमने मकदार में कम लेनी होती है और साग हमने ज्यादा लेना होता है, बराबर एक मकदार में दोनों चीजें नहीं लेनी होती, कम या ज्यादा लेनी होती है। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, बहुत ही आराम से, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी जरासीम डस्ट वगैरह हो जो भी होती है वो फिर अच्छे से धुल जाती है। तो चले हम अब इसे वॉश करते हैं। हमने अच्छे से वॉश करके प्रेशर में डाल लिया, अब हम इसे 1 घंटे के लिए प्रेशर में ही रखने देंगे, वेट से लगवाएंगे 1 घंटे तक। तो सीटी हमारे लगने वाली बस तकरीबन, आंच हमने तेज काटती है, हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, तेज आंच पे ही हम पकाए हैं। अगर आप लोगों का साग कड़वा हो तो आप इस तरह भी काट सकते हैं कि एक जब हमारा साग अच्छे से कुक हो जाए तो आप उसका पानी चेंज करें। पानी चेंज करने का मकसद ये होता है कि जो हमारी कड़वाहट होती है साग में वो निकल जाती है पानी के साथ। इस तरह हमारा साग बहुत ही अच्छा सा पकता है। गरम गरम करना, ये नहीं कि ठंडा बिल्कुल हो जाए तो फिर पानी चेंज कर दें, तो गरम पानी में ही करना है, ओके, ठंडे पानी में भी नहीं करना। तो मिलते हैं फिर 1 घंटे के बाद। देखिए हमने साग उतार लिया था, अब हम इसे अच्छे से, कुछ लोग उसके ग्राइंडर के साथ भी कर लेते हैं, कुछ लोग ग्रेटर के साथ भी कर, लेकिन हम हाथ वाली मदाने के साथ कर रहे हैं क्योंकि इसका तो अपना ही मजा है। पंजाबी लोग हैं तो फिर हाथ वाली मदाने के साथ ही करेंगे ना, तो ज्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। मशीन से भी करने का फायदा कि ये हो जाता है, आसानी होती है उन लोगों के लिए जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, आजकल हिम्मत भी बहुत कम लोगों में होती है। तो चलेंगे, देखिए अच्छे से हो गया हमारा साग, कितना मलाई की तरह बिल्कुल अच्छा। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए। चलिए अब हम ये तड़का लगाएंगे इसको। आयला हमने इसमें डाल दिया कढ़ाई में, तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करेंगे हल्का सा। लहसुन का पेस्ट थोड़ा फ्राई हो कुक हो गया, तो अब हम इसमें सोया मिर्च डालेंगे।
सवा मिनट तकरीबन आप यहाँ पे लगा लें। हमारे पास 30 सब्ज बन चुकी हैं, तो हमने उसका पेस्ट बना लिए। अब इन्हें भी अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं सारी चीज़ें इसमें हमने ना। तो अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मैं आपको बताती जाऊँ, आप लोग सोच रहे होंगे अगर आपके घर में मुख्तलिफ तरीके से की तरह तो आपको लगता होगा आपकी, कुछ लोग लहसुन का और प्याज का भी लगाते हैं, अदरक का भी लगाते हैं और प्याज का, अदरक का, लहसुन का, इन सब चीज़ों का लगाते हैं। तो हमारे घर में बस प्याज का, इसका सब्ज मिर्च का और अदरक का तड़का लगता है और बहुत ही मज़े का बनता है साग। तो आप भी जरूर ट्राई करना, अगर आपके पास नहीं बनता तो आप लोग जरूर ट्राई करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अच्छा, हमने अब हमने साग इसके अंदर डाल दिया, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, एक चान काट देंगे। तो इसमें हमने डेढ़ मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून रेड मिर्च भी डाल सकते हैं। रेड मिर्च की जगह अगर आप दादर मिर्च डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। डाल देंगे इसमें नमक 2 टेबल स्पून नमक, आप ये नमक अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट आप इसे और पका के फ्लेम बंद करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे, वो भी मक्खन के साथ, ताज़े मक्खन के साथ। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी नहीं देखी जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल लाइव द मुस्कान भाई मक्खन पे जाएं तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। आपने मेरे चैनल पर विज़िट करना, आपको मक्खन की रेसिपी मिल जाएगी। फ्रेश दूध का गाय का बना हुआ होममेड बटर मक्खन होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप ज़रूर जाना। देखिए हमारा साग बिल्कुल तैयार है, ऊपर हमने मक्खन रख दिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मक्खन और साग लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।